नमस्ते बच्चों, अप्पा पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं पार्वती नायक, आपकी हिंदी भाषा की अध्यापिका। तो आज हम पांचवी कक्षा से जो कविता 5 है, मैं सबसे छोटी हूँ, इस कविता के प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। इस प्रश्नों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इस कविता को आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। और मैंने जो स्पष्टीकरण इसका समझाया था, इस कहानी के बारे में या इस कविता के सारांश को मैंने पढ़कर या गाकर आपको सुनाया था कल, तो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, मैं समझती हूँ। तो आज देखेंगे इस पाठ के ही, इस कविता से ही जुड़े बहुत सारे प्रश्न और उसके उत्तर जानेंगे, और ग्रामर जो है, व्याकरण, उसके भी हम लोग आज उत्तर में या लिखाती हूँ, आप लोग जान लो। और आपको अच्छे से इस कविता का वाचन भी करना है, आपको अच्छे से बैठ करना है, कविता कंठस्थ भी करना है। तो इस कविता के बारे में आपको पता होगा, मैंने कल बताया था कि ये माँ और बेटी के बीच के रिलेशन को बताया गया है और उनके रिश्ते को अच्छी तरह से कविता के जो कवि है सुमित्रा नंद पंत जी, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो कविता में क्या है, एक माँ है और उसकी जो छोटी बच्ची है अपने माँ से क्या कह रही है कि वो कभी भी बड़ी ना हो, छोटी ही रहे, छोटी ही बनी रहे। छोटी रहने पर क्या होता है, माँ का स्नेह, प्यार और दुलार ज्यादा मिलता है, इसलिए वो क्या कहती है, वो कभी भी हमेशा छोटी ही बनी रहना चाहती है। तो जानेंगे आज हम इस कविता के मीनिंग्स यानी कि शब्द। तो आपको इस पाठ के नीचे ही, कविता के नीचे ही मीनिंग्स दिए गए हैं, इंग्लिश में भी है और हिंदी में ही, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे। तो शब्दार्थ जान लो, आंचल यानी कि साड़ी का पल्ला। तो मैंने बताया था कि साड़ी के जो ये किनारा होता है उसे पल्ला बोलते हैं। सदा, सदा का मतलब होता है हमेशा। छलती, छलती का मैंने बताया था कि चीट करना, छलना यानी कि बहकाती। फिरती का मतलब होता है घूमती। कर यानी, कर किसे कहते हैं, हाथ को भी कहते हैं कर, और टैक्स जो भरते हैं ना हम लोग, उसे भी कर कहते हैं। हिंदी में इसका मतलब ऐसा भी होता है। मुख यानी कि फेस, चेहरा। सज्जित यानी कि सजाना। सज्जित का मतलब होता है किसी को सिंगार करके यानी कि सजाते हैं ना, तो उसे सज्जित कहते हैं। गात का मतलब होता है हमारा शरीर। गात किसे कहते हैं, शरीर को गात कहते हैं। इसमें बहुत सारे वर्ड जो है खड़ी बोली से आए हुए हैं और उसके अर्थ भी यहाँ दिए गए हैं। तो स्नेह का मतलब होता है प्यार। निर्भय का मतलब होता है जो डरता नहीं है। निर्भय किसे कहते हैं, जो डरता नहीं है। चंद्रोदय यानी कि चांद का उदय होना। चंद्रोदय का मतलब क्या होता है, चांद का उदय होना। तो बढ़ते हैं हम लोग पाठ से जुड़े प्रश्नों की ओर। तो पहला बीट है, पहला प्रश्न है, सोचकर बताइए। आपको जो हम लोग कविता बताते हैं, स्पष्टीकरण उसके बारे में जो समझाते हैं, कहानी के बारे में आपको क्या क्या समझ में आया, तो वो सोच कर आपको, मैं जब अभी यहाँ आंसर लिखा रही हूँ मगर आपको भी थिंक करना है, सोचना है कि ये आंसर हो सकता है। तो इसी तरह से इस पाठ से जुड़े पहले बिट में पहला प्रश्न आता है, बच्ची कहाँ रहना चाहती है। जो छोटी सी बच्ची है वो कहाँ रहना चाहती है, बच्ची माँ की गोदी में रहना चाहती है। इसका उत्तर क्या है, बच्ची माँ की गोदी में रहना चाहती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, बच्ची किसका आंचल पकड़कर चलती है। कविता में बताया है कि माँ का आंचल पकड़कर चलती है, तो बच्ची माँ का आंचल पकड़कर चलती है, इसका उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, बच्ची क्या नहीं खोना चाहती है। बच्ची क्या नहीं खोना चाहती, तो बच्ची माँ का स्नेह, प्यार, दुलार खोना नहीं चाहती है। तो बच्ची क्या चाहती है, माँ के जो स्नेह मिलता है, जो बचपन में प्यार मिलता है, वो बड़ी होकर खोना नहीं चाहती है। तो दूसरा भी जो है, दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बच्ची
दूसरा प्रश्न क्या है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न क्या है, सही उत्तर पर सही जो मार्क होता है ये जो इसे कहते हैं चिन्ह, सही का चिन्ह लगा रही है। इसमें आपको जो करेक्ट लगता है या उत्तर सही जो लगेगा उसके सामने आपको बॉक्स दिए गए हैं, उसमें आपको क्या करना है, चिन्ह का प्रयोग करना है और बताना है कि कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा प्रश्न गलत है। तो पहला प्रश्न क्या है, बच्ची कहाँ सोना चाहती है, तो उसके ऑप्शन दिए गए हैं पलंग पर, धरती पर या गोद में। तो इसे तीन बॉक्सेस दिए गए, उसको आपको क्या करना है, सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, बच्ची कहाँ सोना चाहती है, कहाँ सोना चाहती है। तो आंसर इसका है पलंग पर, धरती पर, गोद में। तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर होगा गोद में, वो क्या चाहती है, माँ की गोद में सोना। तो सही जो उत्तर है, सही उत्तर क्या है, यहाँ लिख देती हूँ गोद में। तो आपको बहुत में क्या दिया गया है, बॉक्स दिए गए, उसमें क्या करना है आपको बॉक्स में इस तरह से राइट सही का निशान लगाना। दूसरा प्रश्न है, बच्ची किसकी कहानी सुनना चाहती है, बच्ची किसकी कहानी सुनना चाहती है, बच्ची किसकी कहानी सुनना चाहती है, कहानी सुनना चाहती है। तो किसकी कहानी सुनना चाहती है, परियों की। किसकी कहानी सुनना चाहती है, इसका जो सही उत्तर है वो होता है, इसमें दिया गया है जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है राजा की, परियों की और हाथी की। इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है, परियों की कहानी सुनना चाहती है, तो यही करेक्ट है। तो इसमें मैं सही उत्तर को यहाँ लिख रही हूँ, सेकेंड वन परियों की कहानी, परियों की कहानी जो है ये सही उत्तर है। इसके सामने आपको क्या करना है, बॉक्स में सही का निशान लगाना है। उसी तरह से तीसरा प्रश्न है, माँ बच्ची के हाथ में क्या थमा देती है, माँ बच्ची के हाथ में क्या थमा देती है, माँ देती है। तो आंसर है इसका, तीन ऑप्शन दिए गए हैं, रोटी, बिस्कुट या खिलौने। तो पोएम ये क्या है, पोएम में जो करेक्ट आंसर होता है उसी को ही आप लोग चुनना चाहिए, उसी पर ही क्लिक करना है, यहाँ दिया गया है ना राइट निशान, उसी पर ही लगाना है। तो रोटी तो नहीं है, बिस्कुट भी नहीं है, खिलौने क्या है, खिलौने इसका सही उत्तर है। तो इस बॉक्स में आपको सही का निशान लगाना है। उसी तरह से चौथा देखेंगे, कविता को अच्छे से पढ़कर उसकी कहानी को समझना है, उसके बाद ही आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझ में आएंगे। तो चौथा प्रश्न है, बच्ची माँ से क्या देखने की फरमाइश कर रही, फरमाइश का मतलब होता है
क्या जिद कर रही है, क्या वो देखना चाहती है? बच्ची माँ से क्या देखने की, क्या देखने की फरमाइश कर रही है, फरमाइश कर रही है। तो इसका सही उत्तर है सूर्योदय, चंद्रोदय या अन्नोदय। इसमें ऑप्शंस इस तरह से दिखाया गया है, मगर इसका सही उत्तर होता है चंद्रोदय। क्या होता है इसका सही उत्तर? चंद्रोदय। चंद्रोदय इसका सही उत्तर है। तो इस तरह से आपको उसके सामने सही का निशान लगाना चाहिए, समझ में। और तीसरा प्रश्न है, उसकी ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? लिख कर बताइए। लिख कर बताइए का मतलब होता है आपको वहां लाइन्स दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, आपका वर्कबुक में जो लाइन्स है उसके ऊपर भी आपको लिखना है। वर्कबुक का प्रश्न है ये। तो बच्ची सबसे छोटी क्यों रहना चाहती है? प्रश्न क्या है पहला? बच्ची सबसे छोटी क्यों रहना चाहती है? प्रश्न भी क्या है? गर्ल लिख कर बताइए, लिख कर बताइए। तो पहला प्रश्न क्या है इसमें? बच्ची सबसे छोटी क्यों रहना चाहती है? बच्ची सबसे छोटी क्यों रहना चाहती है? क्यों रहना चाहती है? प्रश्न क्या है? बच्ची सबसे छोटी ही क्यों रहना चाहती है? इसका उत्तर देखेंगे, क्योंकि वह उत्तर है क्योंकि छोटी रहने पर माँ का अधिक स्नेह प्यार दुलार मिलता है या मिलेगा, इसलिए वह सबसे छोटी रहना चाहती है, छोटी रहना चाहती है। सबसे छोटी रहना चाहती है। दूसरा प्रश्न है, देखो बच्ची सबसे छोटी क्यों रहना चाहती है? मैंने कविता में बताया कि आपको बच्ची माँ से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो बड़ी हो जाने पर उसे माँ का प्यार जो है, स्नेह जो है अधिक उसे नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो कभी भी छोटी ही रहने की ख्वाहिश यहाँ बता रही है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न है, बड़ी हो जाने पर माँ उसके क्या काम करना बंद कर दे? बड़ी हो जाने पर माँ
माँ, माँ उसके उसके क्या काम करना बंद कर देंगी, क्या काम करना बंद कर देगी। तो बड़ी हो जाने पर क्या क्या काम नहीं करती है माँ आपकी? आप छोटे जब रहते हो सब काम करते हैं, मगर बड़ी हो जाने पर आपके ऊपर ही छोड़ देती है। आपको सीखने के लिए बताती है ना कि अपना काम खुद करना चाहिए, इसलिए आपको ही सब काम करने की सीख देती है। उससे क्या होगा, आप बहुत सारी बातें सीख पाओगे, बड़े होने से आप सभी कामों के तरफ ध्यान भी दे पाओगे, इसलिए अपना काम खुद करना चाहिए, ये सिखाती है। मगर यहाँ बच्ची क्या कह रही है, बड़े हो जाने पर माँ उसके क्या काम करना बंद कर देती है। तो इसका उत्तर देखेंगे, अगर इसका उत्तर है बड़ी हो जाने पर माँ उसके हाथ हाथ से खिलाना हासे खिला नहीं पाएगी, हासे खिला नहीं पाएगी। और मुख धुला नहीं पाएगी, मुख धुला नहीं पाएगी। सजा नहीं पाएगी, सजा नहीं पाएगी। यह सब काम बंद कर देगी। तो क्या कह रही है, बड़े हो जाने पर माँ उसके हाथ से खिला नहीं पाएगी, मुंह धुला नहीं पाएगी, सजा नहीं पाएगी, और ये सब काम क्या करती है माँ, बंद कर देती है बड़े हो जाने पर। तो तीसरा प्रश्न है, बच्ची अपनी माँ को माँ के साथ कैसा महसूस करती है। तो बच्ची क्या करती है, अपने माँ के साथ निर्भयता से रहती है, उसे बिना डरे माँ के साथ रह सकती है। माँ नहीं रही तो वो डरी हुई सहमी हुई रहती है। तो इसका उत्तर है बच्ची अपनी माँ के साथ निर्भयता से वो रहती है। कैसे रहती है, निर्भय से रहती है, बिना डरे। निर्भय का मतलब होता है जो नहीं डरता,
है ना, और निर्भया सुरक्षित महसूस करती है, सुरक्षित महसूस करती है। तो ये तीसरा प्रश्न क्या था, बच्ची अपने माँ के साथ निर्भयता से बिना डरे अपने आप को क्या करती है, सुरक्षित महसूस करती है। उसके बाद जो है प्रश्न है, जरा सोचिए, वो आपको थिंकिंग स्किल में आता है कि आप इस पोएम से क्या सीखे, वो आपको थिंक करना है और सोचकर आपके क्लास में लिखना है। और शब्दों से जो प्रश्न है, शब्दों से जो प्रश्न है मैं यहाँ बता देती हूँ, शब्दों से इसमें ना अनुसर और विसर्ग को आपको पहचानना है, अनुसर किसे कहाँ पर लगाना है, विसर्ग कहाँ पर लगाना है, या केंद्र बिंदु कहाँ पर लगाना है, ये आपको पहचान कर वो वैसे सभी शब्दों के ऊपर क्या करना है, लगाना है। तो पहला जो है शब्दों से, उसमें क्या है, कुछ शब्द दिए गए उसको क्या करना है आपको पहचानना है। इसमें बहुत सारे अनुसर और विसर्ग वाले अनुनासिक वाले शब्द है, उसे आपको पहचान कर लिखना है। दिया गया प्रश्न, प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों से सही स्थान पर अनुसर अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाइए, है ना, अनुनासिक लगाइए। इसको क्या करना है आपको, कुछ वर्ड दिए गए हैं, शब्द है इसके ऊपर इनको पहचानना है। तो पहला प्रश्न है, शब्द है चांद, फिर पीरूम, उसके बाद आम, मूम, उसके बाद आंच, उसके बाद चंद, नींद, उसके बाद चिंता। ये जो शब्द है इसके ऊपर अनुनासिक विसर्ग कहाँ कहाँ पर आते हैं उसको आपको लिखना है, अनुनासिक अनुसर। चांद के ऊपर क्या आएगा, चांद के ऊपर क्या आता है, चंद्र बिंदु आता है। आप लोगों ने कभी लिखा है तो चांद के ऊपर चंद्र बिंदु आता है, फिर इसके ऊपर भी चंद्र बिंदु आता है, आम, है ना, उसके बाद मून। तो ये सभी चारों शब्दों के ऊपर क्या आता है, चंद्र बिंदु आता है, उसके बाद आंचल, अनुसर, चंद, नींद और चिंता। इस तरह से आपको इसके ऊपर अनुस्वर और अनुनासिक शब्द चंद्र बिंदु वाले शब्द लगाना। उसके बाद क्या आते हैं, तीसरा ख, पढ़िए समझिए और वाक्य पूरे कीजिए, पढ़िए समझिए और वाक्य पूरे कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है, इसमें दिया गया एग्जाम्पल दिया गया है ना, जैसे कि माँ दरवाजे के पास खड़ी है, पिताजी दरवाजे के पास खड़े हैं। तो कैसे आप लिंग पहचानते हैं ना, लिंगों को जैसे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो लड़की रहने पर क्या कहेंगे उसे, लड़की है। तो यहाँ दिया गया माँ दरवाजे के पास खड़ी है, खड़ी ना लगाकर उसे क्या कहोगे आप, खड़े है बोले तो
वो सेंटेंस गलत होगा, इसलिए लिंगों की पहचान करने के लिए दिया गया। तो दो एग्जाम्पल देंगे, तो एक पहला जो है लड़की क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो लड़की पढ़े रहे समझ सकते क्या, नहीं पढ़ रही है, तो आगे क्या लिखना है, पढ़ रही है। दूसरा लड़का पढ़ रहा है, तीसरा बहन खेल रही है ना, चौथा भाई भाई खेल रहा है, उसके सामने क्या लिखना है आपको, लिंगों की पहचान करना है। तो लड़की क्या कर रही है, खेल रही है, उसके बाद लड़का पढ़ रहा है, बहन खेल रही है, और भाई खेल रहा है। इस तरह से आपको पहचान कर लिखना है। अनुस्वर अनुनासिक चंद्रबिंदु और अनुस्वर के बारे में समझ चुके होंगे, इस तरह से आपको उसके ऊपर लिखना है। तो पांचवा यहाँ मैं कंटिन्यू करती हूँ, नाना अखबार क्या कहोगे, और सिक्स नानी काम तो आप उसके आगे पहचान कैसे है, नाना क्या कर रहा है, अखबार पढ़ रहा है या पढ़ रहे हैं, तो बड़े हैं तो उसे रेस्पेक्ट देना चाहिए, तो क्या लिखोगे, पढ़ रहे हैं, नानी काम कर रही है। इस तरह से आपको पहचान कर लिखना है, उसके आगे इस तरह से लिखना है। तो चौथा जो ग है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करकर क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और उसके साथ ही बॉक्स में सर्वनाम को दिया गया है, तो उससे लगाकर उसे जोड़कर आपको क्या करना है, वाक्य सही बनाना है। उस वाक्य को क्या करना है, सही तरह से लिखना है कि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर आता है, उसको देखकर आपको लिखना है। तो गज बीट है, सर्वनाम को पहचान कर लिखना है ना, जैसे कि आपको बॉक्स में दिया गया है, तुम प्रश्न नहीं लिख रही, एग्जाम्पल दिखा रही हूँ आपको, समझ में आ जाएगा, तुम्हारे और अपने, तुम्हारा क्या दिया गया है, तुम्हारा, इस तरह से दिया गया है। तो आपको क्या करना है, उसे पहचानना है और कहां पर सर्वनाम लगाना है उसको वहां पर लगाना। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला अपने हाथों से खाना खिलाती हो, खिलाती हो, तो इसमें अपने जो वर्ड है ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। दूसरा तुम सुपर परियों की बात बताती हो, परियों की सुपर परियों की बात बताती हो, और इसमें तुम जो शब्द है सर्वनाम कहलाएगा। तीसरा तुम्हारे
आंचल की छाया में, आंचल की छाया में सुख सुख पाती हूँ। इसमें क्या है, तुम्हारा जो है वो सर्वनाम कहलाएगा। इसका अंतिम क्या है, वो मैं घर में सबसे छोटी हूँ। इसमें क्या है, सर्वनाम, मैं जो है ये सर्वनाम कहलाएगा, मैं जो शब्द है वो सर्वनाम कहलाएगा। उसके बाद तुम्हारा, तुम्हारा बदोबर आया है तो आप कंफ्यूजन मत कर लो, तुम्हारा स्नेह को मैं, तुम्हारा स्नेह न को मैं। इसमें जो है ये तुम्हारा जो शब्द है यहाँ तुम्हारे आए हैं और यहाँ तुम्हारा है, आप कंफ्यूजन मत कर लो, इसे अच्छे से समझ कर लिखिए। मैं, तुम्हारा, अपने, तुम, तुम्हारे, ये सभी जो शब्द होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऐसे सभी अच्छी तरह से पढ़कर आपके क्लास वर्क में अच्छे से लिख लो, पढ़कर लिखना चाहिए, इसे आपको याद भी रहेगा। और नीचे जो दिए गए कलम से ये आपको एक्टिविटीज है, ये आपको ही लिखना है, जैसे अपने परिवार के सभी सदस्यों का एक एक वाक्य में परिचय देना है कि कैसे आपके घर में इन सदस्यों का रहना है, या आप उनसे, इनके साथ या इनका आपके साथ कैसा रिलेशन है या रिश्ता है, ये आपको ही लिखना है बच्चों। अच्छा, नमस्ते।